पे बालिका विद्यालय इंटर कॉलेज है। एक समय हुआ करता था कि जिस दिन इस स्कूल से बच्चियाँ निकलती थी तो पूरा मार्केट में समझ में आता है कि कोई विद्यालय यहाँ पे खुला हुआ। आज ये दिखाई देता है कि उसमें बच्चियाँ हमारे बहने मुश्किल से 150 दिन नहीं है। इससे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका एस्टिमेट बन के बालिका विद्यालय जो पहले के रूप में हो वो चालू होना चाहिए। आज ऐसे में देखा जाए तो आपने कई वादे किया है, हरी झंडी मिल चुका है विकास के लिए, कैसे तैयारियां बना रखे हैं और अब कल से अब नगर पालिका के हॉट सीट पर बैठने जा रहे हैं, तैयारी में हैं। हॉट सीट पर बैठने के बाद मैं पहले बैठ चुका हूं। मैं चाहता हूं कि बैठने के बाद बोर्ड की बैठक की सहमति होती है जिसमें 11 सभासद हमारे होते हैं। 11 सभासद होने के दरमियान हम लोग बोर्ड की बैठक में पास करने के बाद एस्टिमेट मिलता है। एस्टिमेट मिलने के बाद सबसे पहले आपका परिचय से हम शुरुआत करेंगे। बड़ी जीत मिली आज जो शपथ में आए हुए थे मुख्य अतिथि के तौर पर, क्या कहेंगे पहले दुर्गानगर को? फिर दुर्गानगर की जनता के प्रति पार्टी की तरफ से बहुत बहुत आभार, और निश्चित रूप से ये दोबारा जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ के मतदाताओं ने किया है, इस विश्वास पर खड़ा उतरना 5 साल के लिए हम सबको एक व्रत के रूप में इसको धारण लेना है। आज के शपथ ग्रहण समारोह में ये मन में विश्वास लेकर हम सब कार्यकर्ता आज से अपना काम प्रारंभ करेंगे कि ये जो दोबारा जीत मिली है इस पर हम सब खड़ा उतरें इस विश्वास पर। G20 में प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे पहले बात करते हैं कि कश्मीर की धरती से एक बड़ा इंग्लिश में बहुत बड़ा एक स्लोगन दिया है, क्या कहेंगे उसको लेकर आपने मंच के माध्यम से भी कहा? नया कोई स्लोगन नहीं है, हमारे वेद में वसुधैव कुटुंबकम का यह वाक्य बहुत पहले से आ रहा है। आज वर्तमान परिस्थिति में खास तौर से कोविड के बाद हम देखे हैं कि जब भी कोई आपदा परिवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरी झंडी क्या मिल चुका है, अब तैयारी है विकास करने के लिए दिलदार नगर में। पच्चीस साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दिलदार नगर में, उसको
के अवसर पर दिलदार नगर में क्या कहना चाहेंगे? दिलदार नगर की जनता